गुड मॉर्निंग दोस्तों, यूनिक एजुकेशन सेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे लोग यूपीपीसीएस आर ओ और ए आर ओ जो प्रीलिम एग्ज़ाम है और जो मेंस होगा, मतलब प्रीलिम का फॉर्म डाले होंगे। तो आज हम आपको, मतलब कि जो आप ये फॉर्म डाले हो, इसका पूरा सिलेबस प्री का और मेंस का बताने चल रहे हैं। देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी अगर कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस नहीं पता होगा तो आपकी तैयारी अंधेरे में रहेगी। जब क्लियर पता रहेगा क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या पढ़ना है, तब जाके अच्छी तैयारी हो सकती है और ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की संभावना हो जाती है। चलिए फिर सिलेबस देख लेते हैं, क्या है यूपीपीसीएस आर ओ और ए आर ओ के सिलेबस में। रिव्यू ऑफिसर बोलते हैं, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, आर ओ रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी, ए आर ओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी। खास करके इसमें जो जॉब लगती है, आपको सचिवालय में जॉब मिलती है, काफ़ी अच्छी जॉब है। पीसीएस लेवल की नौकरी है, बहुत अच्छा जॉब है। चलिए फिर पहले आप सिलेबस अच्छे से पता करें ताकि आप पेपर की अच्छी से तैयारी कर सकें। पहली बात तो आप ये जानते रहिएगा कि जो प्री का एग्ज़ाम होगा उसमें क्या होगा। एक पेपर फर्स्ट होगा जो जनरल स्टडीज़ का होगा, मतलब सामान्य ज्ञान का होगा पहला पेपर, और वो 140 क्वेश्चन आएंगे और 140 नंबर के ही रहेंगे और 2 घंटे में उसे करना होगा। मतलब कि एक ही दिन दोनों पेपर होंगे। जो पेपर सेकंड होगा वो जनरल हिंदी का होगा, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के रहेंगे और वो 1 घंटे का रहेगा। मतलब कि टोटल 200 क्वेश्चन आपको करने हैं दिन भर में। मतलब कि सुबह की मीटिंग में होगा 140 क्वेश्चन वाला जनरल स्टडीज का, और सेकंड मीटिंग होता है ये 60 क्वेश्चन मतलब हिंदी वाला। तो टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर के टोटल 3 घंटे लगेंगे। तो ये प्री का एग्ज़ाम होता है। और प्री के एग्ज़ाम में अगर आप 140 से 45 के बीच में नंबर ला लेते हैं 200 में, तो समझ लीजिए आपका प्री निकल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर निकल सकता है क्योंकि 140 नंबर ये और ये जो 60 नंबर हिंदी आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी अच्छा रोल अदा करता है। लोग 60 में से 55 से 58 तक सही कर जाते हैं। मतलब हिंदी के केवल सब्जेक्ट, यहाँ पर कोर्स निर्धारित है कि ये जो 60 नंबर आए, 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, केवल 6 जगहों से आएंगे। वो 6 जगह कौन कौन से हैं, आइए हम देख लेते हैं। पहले ये देख लें कि जो प्री का जनरल स्टडीज है उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि उन्हीं को बेस बनाकर आप पढ़ो। यहाँ पर देखें आप, जो पेपर फर्स्ट होगा उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न इंडिया का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। दूसरा, भारतीय राजनीति, मतलब आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृति मतलब रहन सहन, सामान्य विज्ञान मतलब कि जनरल साइंस पढ़ना पड़ेगा आपको, और भारत का इतिहास। अब जब देखिए, यहाँ जब राष्ट्रीय आंदोलन कहा है तो इसको मुख्य फोकस करके आपको आधुनिक इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जब भारत का इतिहास कहेगा तो आपको प्राचीन, मिडिवल मतलब कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, यहाँ तीनों आ जाते हैं। लेकिन इसको आपको मुख्य फोकस देना होगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आगे देख लेते हैं, भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, मतलब भारत में किस किस की खेती होती है, भारत किसके उत्पादन प्रथम स्थान पे है, भारत से क्या चीज़ें व्यापार किया जा रहा है, क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, तो ये सब चीज़ें यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। जनसंख्या, पारिस्थितिकी, जनसंख्या, जनगणना से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, हमेशा आते हैं, कभी कभी तो 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं, जनगणना पढ़ना पड़ेगा आपको। यूपी की भी जनगणना पढ़ना पड़ेगा और भारत की भी पढ़ना पड़ेगा। पारिस्थितिकी मतलब पर्यावरण, इतना प्रदूषित हो रहा है, कोरोना तो इसका मुख्य उदाहरण है, आप जानते हो। पर्यावरण को सफाई, पर्यावरण की सफाई के लेकर कितने प्रावधान चल रहे हैं, तो पारिस्थितिकी भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। शहरीकरण, भारतीय संदर्भ में कितना शहरीकरण हुआ है, कितने प्रतिशत लोग शहर में रह रहे हैं, उनका व्यवस्था क्या है, उनकी व्यवसाय क्या है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्यतः आपको सामान्य ज्ञान के इकोनॉमी वाले पार्ट में, अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। आगे देख लेते हैं, विश्व भूगोल और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, मतलब विश्व का भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, महाद्वीपों के बारे में, किस देश में मुद्रा क्या है, फिर या फिर स्थल रुद्ध है या फिर किस महासागर से लगता है, और राजधानी क्या है, और भारत के साथ उसका व्यापार क्या है, ये सब जनरल चीज़ें आपको भूगोल में मिल जाएंगी, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। भारत का भूगोल पढ़ना पड़ेगा, कितने राज्य हैं, कौन से स्थलीय राज्य हैं, कौन से तटीय सीमा वाले राज्य हैं, किस राज्य में किसका उत्पादन होता है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा भूगोल में। प्राकृतिक संसाधन मतलब कहाँ पर किसका उत्पादन, कहाँ पर कोयले का उत्पादन ज़्यादा होता है, कहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। वर्तमान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, मतलब ये करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर भी आपको पढ़ना पड़ेगा,
भारत के और अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व स्तर के करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। और आगे थोड़ा और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, जीवन और सामाजिक व्यवसाय, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश से संबंधित। यहाँ देखें आप, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत, कृषि, उद्योग, व्यापार, जीवन और सामाजिक परंपराओं के बारे में विशेष ज्ञान, मतलब यूपी विशेष आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये सब चीज़ें इस चैनल पर भी आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट प्लस यूपी और भारत के भूगोल के बारे में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इसी चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड हैं, आप जाकर देख सकते हैं, प्लस आगे भी आपको कराए जाएंगे। तो अगला देख लेते हैं, पेपर सेकंड में क्या आएगा। जो हमने आपको ये बताया था कि पेपर सेकंड में सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन आएंगे, जो कि केवल 6 जगहों से आएंगे, तो वो और प्रत्येक से 10-10 आएंगे। यहाँ दिया ना, प्रत्येक भाग से 10-10 आएंगे, तो 6 जगहों से आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। वो कहाँ से आएंगे, आइए देख लेते हैं। पहली बात तो पर्यायवाची से आएंगे, 10 क्वेश्चन पर्यायवाची से आएंगे, पर्यायवाची पढ़ डालिए। वर्तनी और वाक्य शुद्धि, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 होगा। 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे विलोम से, 10 क्वेश्चन तत्सम तद्भव से आएंगे, तत्सम तद्भव पढ़े होंगे आप, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी 10 क्वेश्चन आएंगे, और विशेषण और विशेष से यहाँ से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। देखेंगे आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 क्वेश्चन हो गए, यही 6 जगहों से आएंगे। तो आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो यहाँ से 60 क्वेश्चन में से 55 तक सही कर सकते हैं, क्योंकि यही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि अगर आप उधर 140 में से 100 भी सही कर लें, 100 भी सही कर लें, तो यहाँ से आप 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सही करेंगे, 150 जाएगा, मिनट 140-145 के आसपास रहती है, तो बड़े आराम से निकल जाएगा। ये तो अभी तक मैंने आपको प्री का बताया, अभी मेंस का भी देख लेते हैं कि जब आप प्री निकाल लेंगे तो पहले से थोड़ा पता होना चाहिए ना कि मेंस में क्या आएगा। तो ये UPPCS RORO का जो मेंस सिलेबस है उसको भी देख लें, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या आएगा यहाँ पे। देखिए जो पेपर होंगे ये मेंस का, उसमें जो पेपर फर्स्ट होगा वो जनरल स्टडीज का होगा, लाइक यहाँ दिया उसी तरह का होगा जैसा कि आप प्री में देकर आए हैं, सेम वैसा आएगा। बस यहाँ 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 नंबर के आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। ध्यान से रखिएगा, सिलेबस दिमाग में रहे ना तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये जो पेपर फर्स्ट होगा मेंस में, वो एकदम जैसे आप प्री का पेपर देकर आए जनरल स्टडीज़ का 140 क्वेश्चन वाला, वैसे ही आएगा पेपर, बस यहाँ पर 120 क्वेश्चन रहेंगे। दूसरी बात, जो पेपर सेकंड होगा जनरल हिंदी ड्राफ्टिंग का होगा, इसमें भी 2 भाग होंगे, पार्ट 1 कन्वेंशनल और पार्ट 2 जनरल वोकैबुलरी। अभी आप इसको हम डिटेल से बताते हैं क्या है ये। 100 नंबर का ये रहेगा, 100 क्वेश्चन ये रहेंगे और ये 60 क्वेश्चन रहेंगे, तो मतलब कि 100 नंबर का ये रहेगा, 100 नंबर का 60 नंबर का ये रहेगा। इसके लिए 2.5 घंटे मिलेंगे, इसके लिए आधे घंटे मिलेंगे मतलब कि, और एक और आएगा पेपर, 3 पेपर होंगे, एक पेपर और होगा, वो पेपर है हिंदी ऐसे, मतलब आपको निबंध लिखना होगा और ये 3 घंटे का रहेगा और 120 नंबर का रहेगा। कौन कौन से निबंध कैसे लिखने हैं, अभी 120 निबंध नहीं लिखने हैं, जो निबंध लिखने हैं आगे मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप ये देख लीजिए पेपर फर्स्ट में क्या आएगा। यहाँ देखें पेपर फर्स्ट में क्या है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस समान है, लेकिन कठिनाई स्तर अलग अलग होगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप प्री में जनरल स्टडीज़ का पेपर पास करके आगे मेंस में पेपर दोगे प्री का, सॉरी जनरल स्टडीज़ का, सेम वही सब चीज़ें रहेंगी, बस यहाँ पर थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। मतलब जैसा कि आपने प्री में 140 क्वेश्चन हल करके मेंस में पेपर फर्स्ट में आपको 120 क्वेश्चन हल करने को मिलेंगे जनरल स्टडीज़ के, सेम वही पैटर्न, मतलब वहाँ पर टिक करने वाले ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से कठिन बनाए जाएंगे, और वहाँ पर 140 क्वेश्चन थे तो यहाँ 120 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर हो गया होगा दिमाग में, सिलेबस सब वही है, सिलेबस आप पीछे जाकर फिर से देख सकते हो। पेपर सेकंड देखते हैं, पेपर सेकंड का 2 पार्ट था। तो पहला भाग था जो कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, उसमें आपको क्या करना है उसको समझिए। अभी मैं आपको पेपर भी दिखा दूंगा कैसा आता है, क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो पेपर यहाँ पर होगा पारंपरिक वाला सेकंड में, जो पहला पैरा वाला कन्वेंशनल वाला, कि दिए गए पैरा का संक्षेपण, शीर्षक लेखन और रेखांकित भागों की व्याख्या करना होगा, और किसी भी सरकार के सारणीबद्ध रूप में उपदेश पत्र मतलब पत्र व्यवहार, पत्र लिखने के तरीका और पत्र में क्या लिखा जाता है, ये सब आपको यहाँ पर बताना होगा। यहाँ पर देखें आप, उपदेश पत्र मतलब पत्राचार,
पत्रों, जैसे आपको किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो कहाँ पर क्या लिखना होगा, अधिकारी के या फिर कोई सी भी आधिकारिक पत्र हो, कार्यालय में हो, परिपत्र हो, दूसरे का पत्र हो, व्याख्या पत्र रिपोर्ट हो, कुछ भी हो, तो आपको कैसे लिखना होगा, इसके लिए आपको पत्र का मतलब कि सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, पत्र कैसे लिखे जाते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि आप अधिकतर आप सचिवालय में रखे जाते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आम बातें होती हैं। यहाँ पर देखें व्याख्या और शब्दावलियाँ, बहुत सारी शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं कि शब्दावली क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, और उसके साथ साथ अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद भी आएगा, मुहावरे और वाक्यांश कंप्यूटर ज्ञान भी पूछे जाएंगे। मुहावरे और वाक्यांश दिया रहेगा, उसका व्याख्या करना होगा, और कंप्यूटर ज्ञान भी पूछा जाएगा। हमने आपको ये बताया कि मेंस में तीन पेपर होंगे, पहला जनरल स्टडी का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा, दूसरा हिंदी का होगा, तीसरा ऐसे राइटिंग होगा, निबंध का होगा। तो जो सामान्य अध्ययन का होगा उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रारूप है, देख लीजिए, दिसंबर 19 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन ने जोर दिया था, ये चार ऑप्शन हैं, बारदोली सत्याग्रह, गदर पार्टी, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ये जनरल स्टडीज के होंगे, मतलब कि आपने जैसे प्रीलिम में देख कर आप आए थे वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये हो जाएंगे जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर 1 होगा, मतलब मेन्स में जो पेपर 1 होगा उसका, मतलब ऐसे क्वेश्चन उसमें आएंगे। पेपर 2 देख लेते हैं कैसा आएगा। यहाँ देखें पेपर 2 कैसा आएगा, हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी कंप्रेशन कंपोजिशन। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे ध्यान से देखें आप, 3 घंटे का पेपर ये भी होगा, 100 नंबर का, इसमें दूसरा भी मिलाकर दिया है। तो यहाँ पर पहली बात तो एक गद्यांश आएगा, देखिए यहाँ पर दिया है, देख लीजिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों को निर्धारित अंक दिए गए हैं, पत्र लेखन में अपना नाम अनुक्रमांक ये सब नहीं लिखना है, मतलब पत्र लेखन जो हमने बताया पत्र लेखन से क्वेश्चन आएंगे। एक गद्यांश दिया रहेगा, अब ऐसे गद्यांश दे देगा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखें, मतलब इसका शीर्षक क्या हो सकता है, 4 नंबर का, गद्यांश का सारांश लिखें, मूल गद्यांश का 1/3 हो, 10 नंबर का, गद्यांश में रेखांकित, जैसे ये रेखांकित शब्द हैं, ये रेखांकित उक्तों की व्याख्या करो, 6 नंबर का, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा क्या आ सकता है, निम्नलिखित सरकारी पत्रों का सारणी रूप में सारेखन लिखिए, सरकारी पत्र के बारे में, सरकारी पत्रों के बारे में लिखना है। और क्या आ सकते हैं, मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय, सरकारों को के नाम शासकीय पत्र भेजा गया था सूखाग्रस्त के लिए, मतलब एक पत्र के बारे में आपको लिखना है, पत्र लिखना है कि मतलब यहाँ पर सूखा पड़ा है, यहाँ की व्यवस्थाएँ की देखी जाए। कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, कार्यालय आदेश के प्रारूप तैयार कीजिए, उप सचिव वित्त मंत्रालय, मतलब कि ये सब चीज़ें ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा मेंस के सिलेबस में। उसके बाद यहाँ पर 10 शब्दों को कहेगा कि उसको हिंदी में बदलें, फिर यहाँ 10 शब्दों को बोलेगा उनको अंग्रेजी में बदलें। तीसरा प्रश्न, तीसरा पत्र जो होता है निबंध का होता है, अभी हमने आपको बताया है, ये 2016 का ही पेपर है जो 2016 का मेंस वाला हुआ था। अब यहाँ पर कुछ शर्तें दिया है कि प्रत्येक निबंध, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में क ख ग 3 खंडों में विषयों को शीर्षकों में चयन करते हुए कुल 3 निबंध हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखें, और दूसरा बोल रहा है प्रत्येक निबंध अधिकतम 600 शब्दों में होना है, उसके अंदर ही लिखना है। अब निबंध के लिए कैसे जा सकते हैं, जैसे पार्ट 1 में दिया है समाज के विकास की साहित्य की भूमिका, आज की महिला, विश्व बैंक और भारत, तो ये सब उसी का ही अंग्रेजी रूप दिया है, तो आपको निबंध लिखना चाहिए, हिंदी में लिखें चाहे अंग्रेजी में लिखें, लेकिन निबंध लिखना पड़ेगा, ऐसे ही निबंध लिखना पड़ेगा। दूसरा पर्यावरण और हमारा जीवन, भारतीय आर्थिक नीति, भारतीय कृषि उद्योग, तो ये सब निबंध आपको लिखना पड़ेगा। और तीसरा भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा और हमारा देश, भूकंप सुनामी समस्या निवारक, स्वच्छ भारत अभियान और हमारा देश, तो ये सब चीज़ें इसको निबंध के माध्यम से अधिकतम 600 शब्दों में लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ से आपको नंबर मिलेंगे। तो हमने आपको ये बताया कि पेपर 1 में जनरल स्टडीज आएगा, पेपर 2 में 2 पार्ट बनेगा, एक कन्वेंशनल का, कन्वेंशनल के बारे में आपको अभी पेपर में दिखा दिया, कैसे पत्राचार से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर पार्ट 2 है जनरल वोकैबुलरी, तो यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो कि 60 नंबर के रहेंगे, तो उनको देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा उसमें। यहाँ देखें क्या पूछा जाएगा, भाग 2 का जो सामान्य शब्दावली, वर्तनी वाक्य शुद्धि, विलोम, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, विशेष और विशेषण, यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जाएंगी। बस यहाँ से हटा दिया क्या, पर्यायवाची शब्द को हटा दिया, बाकी 5 चीज़ें रखकर यहाँ से भी पूछे जाएंगे। उसके बाद निबंध है, निबंध में अभी हमने आपको बताया था तीसरा पेपर निबंध का है, तो निबंध से पूछा जाएगा जैसे साहित्यिक और सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञान, पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और
कृषि और वाणिज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, प्राकृतिक आपदाएं, पृथ्वी की ठोकरें, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, किसी से भी संबंधित निबंध लिखने को आ सकता है, राष्ट्रीय विभाग और योजनाएं, तो आपको निबंध लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको नंबर्स मिलेंगे, तो 120 नंबर यहाँ से भी आपको मिल सकते हैं, 60 नंबर यहाँ से, 100 नंबर यहाँ से, 120 नंबर यहाँ से। इतने सारे नंबर में अच्छे परफॉर्मेंस करने पर मेरिट अच्छी बनती है और जॉब भी अच्छी मिलती है। तो सिलेबस आपको पता होना जरूरी था, अतः आप सिलेबस पता हो गया है। जो लोग और भी आपकी जानकारी में हो, जिनको जिन्होंने फॉर्म डाला है, तो उनको भी अगर सिलेबस ना पता हो तो आप उनके पास ही सेंड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।